हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉफ्स चैनल। मुझे पता है कि आपके दो चैप्टर्स बाकी है। फर्स्ट चैप्टर इज सेकंड चैप्टर जिसमें हमको ग्रामर, टेंसेस और ये सारी चीज़ें दी हुई है। एंड थर्ड चैप्टर इज रिलेटेड टू वोकैबुलरी। तो हम सबसे पहले वोकैबुलरी वाला चैप्टर कवर करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को ग्रामर बहुत ज़्यादा बोर लगता है और आपको पढ़ना नहीं पसंद है, स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स को जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है। बट डोंट वरी, यहाँ पर आपको इतना टेक्निकल नहीं जाना है, इतना इनडेप्थ नहीं जाना है। हार्डली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीए फाउंडेशन के सिलेबस के अंदर, लेकिन चैप्टर्स तो पूरे पूरे पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके लिए तो हमारे पास और कोई शॉर्टकट नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अगर आप ग्रामर चैप्टर पहले पढ़ते थे ना, तो फिर आप बोलते थे दीदी अब ये वोकैबुलरी हमको पढ़ना ही नहीं है। तो पहले मैं वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ, उसके बाद हम ग्रामर पढ़ेंगे, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा ना लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाला काफ़ी ईजी चैप्टर है। वोकैबुलरी, जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है, जिनकी नहीं है ध्यान दो यार यहाँ, और ये वाले लेक्चर को एंड तक देखो। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग ये वीडियो देखते हो और आपको ये वीडियो यूजफुल हो रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। वोकैबुलरी, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वोकैबुलरी? दीदी हमें तो यहाँ से ही नहीं पता कि वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्द। हमें कितने शब्द आते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स डू वी नो? एक छोटे बच्चे को सिर्फ मम्मा और पापा आता है बोलना, लेकिन हम लोगों को कितने सारे वर्ड्स आते हैं। हमसे भी महान लोगों को और बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, मतलब इनको डिक्शनरी के अंदर के सारे वर्ड्स पता होते हैं। जितने ज़्यादा वर्ड्स और उनके मीनिंग आपको पता है, उतनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी है। बस सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ तो वोकैबुलरी का मतलब ये है, जितनी अच्छी आपके वर्ड्स और उसके मीनिंग आपको जितने ज़्यादा पता है, उतनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी है। ओके, द टर्म वोकैबुलरी इज डिफाइंड एज द बॉडी ऑफ वर्ड्स यूज इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। बॉडी ऑफ वर्ड्स नहीं, हम बस ऐसे याद रखेंगे कि जितने ज़्यादा शब्द का मतलब पता होता है एक इंसान को, उतनी अच्छी उसकी वोकैबुलरी होती है कोई भी लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मराठी हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे गुजराती हो, मे इट बी एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ड स्टॉक। अब ये आपको पूछ सकते हैं कि इसको और क्या बोलते हैं, वैसे तो पूछते नहीं है कभी क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ड स्टॉक, ये आपके नॉलेज के लिए है। इसे लेक्सन भी कहा जाता है या फिर लेक्सस भी कहा जाता है। वोकैबुलरी में बहुत सारे वर्ड्स जो हम डे टू डे रीड करते हैं या फिर एक दूसरे से बात करने के लिए रीड यूजुअली बोलते हैं या फिर जो हम लिखते हैं, वो सारे शब्द वोकैबुलरी के अंदर आते हैं। जिसको ज़्यादा शब्द पता है उसको ज़्यादा अच्छी उसकी वोकैबुलरी है, उसको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें। बस इतना ही हमें समझना है। ऑल राइट, नीचे आ जाते हैं। यहाँ यहाँ जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको खुद से बताऊंगी, यहाँ पे बस थ्योरी 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 दिया हुआ है। जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं अच्छे से आपको बताऊंगी, ठीक है? Why is a rich vocabulary important? क्यों जरूरी है अच्छी vocabulary? क्यों हमें जब अगर मैं आपको कहूँ यार आप तो बहुत लेजी हो, लेकिन वहीं अगर मैं आपको कहूँ अरे बच्चे procrastination थोड़ा कम करो, अभी CA foundation में हो, थोड़ा तो कम करो procrastination, अब आप लोग IPCC में आने वाले हो, सो यू शुड नॉट procrastinate। आप बोलोगे अरे वाह यार दीदी को तो बड़ी अच्छा वर्ड आता है, बड़ी अच्छी इंग्लिश है दीदी की तो। Why is that? क्योंकि मुझे और वर्ड्स पता है। मतलब दोनों का सेम ही है कि अपने काम को मत टालो, लेजी मत बनो, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा, जो शब्द मैंने यूज किए, उससे हमें ऐसा लगा कि दीदी आपकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। येस और नो, हम किसी की भी इंग्लिश कैसे जज करते हैं कि वो बहुत फ्लुएंटली बोल रहा है या फिर उसको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं वो लैंग्वेज के। ऑल राइट, तो क्यों अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए? बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। सामने वाला क्या बोल रहा है समझ आता है ना। इट गिव्स अस द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट क्लियरली व्हाट वी मीन। हमने क्या बोलना है, हम क्या मीन करते हैं, ये सामने वाले को हम इजीली समझा सकते हैं। वोकैबुलरी नॉलेज बूस्ट्स आवर एबिलिटी टू ग्रैस्प आइडियाज एंड थिंक मोर लॉजिकली। इससे हम लोग ज्यादा लॉजिकली सोचते हैं। हैविंग अ रिच वोकैबुलरी हेल्प्स अस कम्युनिकेट इन अ मोर एंगेजिंग वे। जिनकी भी आप कभी भी मार्क करना, जिनकी भी वोकैबुलरी अच्छी होती है ना, जिनके भी शब्दों का नॉलेज अच्छा होता है ना, वो यूजुअली बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है। दीदी जैसे कि आप, अरे क्या तारीफ करते हो तुम लोग, नहीं मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, दिस वॉज जस्ट अ जोक। बट
आप लोगों को ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स पता होंगे या फिर ऐसे कोई लोग जो आपको इंस्पायर करते हैं, वो क्यों इंस्पायर करते हैं? जैसे मोदी जी, उनका वोकैबुलरी बहुत अच्छा है हिंदी का, उनको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छे से आता है। जब अगर उनका स्पीच चल रहा है, हमारा पूरा ध्यान वहां पर आ जाता है। सो दैट इज नथिंग बट हैविंग अ रिच वोकैबुलरी हेल्प्स अस, इट हेल्प्स अस मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स। अरे मोर देन फ्रेंड को इम्प्रेस करना है, दीदी से पूछ लेते थोड़े से शब्द, यस और नो? ऑल राइट, ओके। व्हिच वर्ड्स टू लर्न? अभी देखो, जब हम छोटे होते थे तब हमें बस ये पता था कि ओल्ड का मतलब क्या है। ओल्ड का मतलब है कि ये बहुत ही पुराने हो गए हैं, यस और नो? बट फिर हम, और एक ओल्ड का मतलब क्या है कि ओल्ड एज, जिसे हम कहते हैं कि बुढ़ापा, यस और नो? तो एक ही शब्द के दो तीन मतलब भी हो सकते हैं, यस और नो? या दो तीन तरीकों से भी हम वो शब्द को यूज कर सकते हैं। तो बेसिक वोकैबुलरी आनी जरूरी है, लेकिन फिर उसमें भी और कॉम्प्लेक्स चीजें आना शुरू हो जाती है। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। दीज आर द टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी जो हम अभी पढ़ेंगे। इजी है, कुछ इतना नहीं है इसमें, या आपको कभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाले। जिस पे क्वेश्चन आएगा वो बताऊंगी। द टर्म वोकैबुलरी हैज अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग एंड दस इट कैन बी डिवाइडेड इन मेनी डिफरेंट वेज। सबसे पहला है लिसनिंग वोकैबुलरी। लिसनिंग वोकैबुलरी मतलब क्या? जो शब्द अपन सुनते हैं, दैट इज लिसनिंग वोकैबुलरी। दिस टाइप ऑफ वोकैबुलरी रेफर्स टू द वर्ड्स वी हियर एंड कॉम्प्रिहेंड। मोस्ट एडल्ट कैन आइडेंटिफाई एंड कॉम्प्रिहेंड ऑलमोस्ट 50,000 वर्ड्स। ऑल राइट, नेक्स्ट है स्पीकिंग वोकैबुलरी। कभी कभी ऐसे होता है ना कि जो हम जब बातचीत करते हैं तब जो शब्द यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि जब हम लिखे तब भी वही शब्द यूज करें, यस और नो? सो दैट इज स्पीकिंग वोकैबुलरी। व्हाट इज स्पीकिंग वोकैबुलरी? जहां पर हम लोग जैसी भाषा बोलते हैं, जो हम बोलते टाइम यूज करते हैं जो शब्दों को, दैट इज नथिंग बट स्पीकिंग वोकैबुलरी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वोकैबुलरी रेफर्स टू द वर्ड्स वी स्पीक। वी यूज बेयरली 10,000 वर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन। द नंबर ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग स्पीकिंग इज फार लेस देन लिसनिंग। द रीजन बिहाइंड दिस इज द लेवल ऑफ कम्फर्ट इन यूसेज। नेक्स्ट इज रीडिंग वोकैबुलरी। ऑब्वियसली जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं या फिर जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, द रीसेंट बुक दैट आई एम रीडिंग इज दिस इज द बुक, द मास्टरी मैनुअल। जब हम बुक रीड करते हैं तो हम इसमें से वर्ड्स रिकग्नाइज करते हैं कि अच्छा हाँ, ये वर्ड है, ये वर्ड है। रीडर हमें एंगेज रखता है, येस और नो? येस। सो दैट रीडर क्यों हमें एंगेज रख सकता है? क्योंकि उसकी रीडिंग वोकैबुलरी अच्छी है। नेक्स्ट इज राइटिंग वोकैबुलरी। दिस टाइप ऑफ वोकैबुलरी रिप्रेजेंट दोज वर्ड्स विच वी यूज व्हाइल राइटिंग। जो हम लिखते टाइम यूज करते हैं ऐसे शब्द। आर राइटिंग वोकैबुलरी इज इंटेंसली अफेक्टेड बाई वर्ड्स वी कैन स्पेल। अरे जैकलिन फर्नांडिस कौन है आपका फेवरेट एक्ट्रेस? आप बोलोगे जैकलिन फर्नांडिस। मैं बोला लिख कर बताओ, स्पेलिंग लिख कर बताओ। आप बोलोगे नहीं 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 दीदी, जैकलिन फर्नांडिस नहीं है, आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट का स्पेलिंग अपन को अच्छे से आता है। तो राइटिंग वोकैबुलरी डिपेंड करेगी कि आपका कौन से वर्ड्स आपको स्पेल करना आते हैं, कौन से वर्ड्स आपको लिखना आते हैं, यस और नो? ऑल राइट। अरे अभी अभी मैंने भी इंस्टाग्राम पर ही देखा था। ऑल राइट, दीज टाइप ऑफ वोकैबुलरी कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड इन टू वेज। द फर्स्ट इज एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव वोकैबुलरी, ये दो टाइप है। एंड द सेकेंड इज ओरल एंड रिटन। एंड द सेकेंड इज ओरल एंड रिटन। डिपेंडिंग ऑन हाउ वी यूज और अंडरस्टैंड वोकैबुलरी, वी कैन कैटेगराइज वर्ड नॉलेज इन टू एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव वोकैबुलरी। एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी मतलब क्या? वर्ड्स दैट वी यूज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग आर टर्म्ड एज एक्सप्रेसिव। जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं, जब भी हम बोलते हैं तब एक्सप्रेस करते हैं, लिखते तब एक्सप्रेस करते हैं। वर्ड्स दैट वी नीड टू नो टू अंडरस्टैंड व्हाट वी रीड और लिसन आर टर्म्ड एज रिसेप्टिव वोकैबुलरी। जो शब्द हमें जानना जरूरी है ताकि हम सामने वाले की बात को समझ सके, दैट इज नथिंग बट रिसेप्टिव वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कैन बी डिवाइडेड इन टू ओरल एंड रिटन। Speaking and listening vocabularies constitute oral vocabulary and reading and writing vocabularies constitute written vocabulary. Okay. अगर समझ नहीं आया, blank हो गए, तो ये यहाँ पर आपके सामने diagram है। Oral vocabulary दो type की होती है, एक listening और एक speaking. Listening में receptive vocabulary आती है, reading भी क्या है? Receptive vocabulary है। Speaking क्या है? Expressive vocabulary है। Writing क्या है? Expressive vocabulary है। रीडिंग और राइटिंग क्या है? ये रिटन वोकैबुलरी है। समझ में आया?
लिसनिंग और स्पीकिंग क्या है? ये ओरल वोकैबुलरी है। क्लियर है? क्लियर है। ओके, अच्छा अभी वोकैबुलरी को अच्छा कैसे बनाना है, कैसे बनाएंगे? सिनोनिम्स जानकर, फॉरेन शब्दों को जानकर, कॉनोटेशंस जानकर। व्हाट आर कॉनोटेशंस? कॉनोटेशंस आर वर्ड्स दैट इनवोक एन आइडिया और अ फीलिंग व्हेन वी रीड और व्हेन वी हियर देम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ तो भी बहुत अच्छा पढ़ा, उसके रेफरेंस में था, उससे मेरे को एकदम से सा यू नो वोक टाइप फीलिंग आई। दैट इज नथिंग बट कॉनोटेशन। वो शब्दों को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। एंटोनिम्स अभी आएगा, ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं इसे। क्या है ये? कोलोकेशंस। ओके, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर और फॉर्म फिक्स्ड रिलेशनशिप्स, ये भी आगे आएगा। ईडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीज। ईडियम मतलब, मैं आपको एक चार्ट भी बताऊंगी जिसके मदद से मैं आपको बताऊंगी ईडियम मतलब क्या है। इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। फ्रेजल वर्ब्स मतलब मल्टी वर्ड वाले वर्ब्स। ओके, कौन से पॉइंट्स टू रिमेम्बर है? अगर हमें हमारी वोकैबुलरी को बेटर करना है तो सबसे पहले बीवेयर ऑफ वर्ड्स। कौन से वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं? प्लीज फॉरेन वर्ड्स के शब्द के मतलब अगर आपको नहीं पता है तो यूज ना करें। रीड वोराशियसली, चूज बुक्स और आर्टिकल्स दैट इंटरेस्ट यू, दैट यू रीड रेगुलरली, क्योंकि रीडिंग इज क्रूशल। रीड करोगे जितना ज्यादा उतनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी बनती जाएगी। यूज अ डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी से समझ आता है कि कौन सा वर्ड का मतलब क्या है। मेंटेन अ जर्नल, अगर आप लिखते जाओगे तो उससे आपकी वोकैबुलरी एक्टिव रहेगी। यूज न्यू वर्ड्स, अगर आपको किसी ने नया वर्ड बताया, फटाक से डिक्शनरी ओपन करना है, उस वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, अभी तो गूगल ही अपन कर लेते हैं, और फिर वो वर्ड को यूज करने की कोशिश करो आपके कॉन्वर्जेशन के अंदर। एंगेज इन कॉन्वर्जेशन, सिंपली एंगेजिंग इन कॉन्वर्जेशन विद अदर पीपल कैन हेल्प यू लर्न एंड डिस्कवर न्यू वर्ड्स। अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, हमारी मदर टंग में भी अगर कोई कोई ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें नहीं पता है, हमारे दादी जी या एल्डरली लोग यूज करते हैं, तो हमें मजा आती है, अच्छा ये वर्ड है। ओके, स्टडी न्यू वर्ड्स रेगुलरली। वोकैबुलरी बिल्डिंग इज अ सिंपल प्रोसेस। अगर आप रोज नए शब्द रीड करोगे, पढ़ोगे या किसी से बातचीत भी करोगे, तब आपके पास ना वो ऐसा स्किल आ जाएगा कि जिससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाए। गो बैक टू द रूट्स। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर लर्निंग न्यू वर्ड्स एंड डिसिपरिंग देयर मीनिंग इज स्टडिंग देयर लैटिन एंड ग्रीक रूट्स। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपने लॉ में पढ़े होंगे। जब लॉ आपको प्रवीण सर ने पढ़ाया होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि ऐसे सर ने बोला होगा ये लैटिन टर्म है, ये ग्रीक टर्म है। तो ग्रीक और लैटिन, दीज टू आर द रूट्स ऑफ एनी लैंग्वेज, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे शब्द अलग अलग जगह से उठाए हुए हैं। ठीक है? ओके, अटेम्प्ट वर्ड पजल्स एंड प्ले वर्ड गेम्स। जो न्यूज़पेपर में वो लास्ट में आते हैं, वो वाले वर्ड पजल्स आप सॉल्व करो, इससे आपका वोकैबुलरी एनहांस होगा। ऑलराइट, कॉनोटेशन, कॉनोटेशन कर लेते हैं। कॉनोटेशन के बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी कर लेते हैं। फिर रूट्स ऑफ वर्ड्स भी हो जाएगा मुझे लगता है ये क्लास में। फिर अपन डिसाइड करते हैं कि आगे का करना या नहीं करना। डन, प्रीफिक्स सफिक्स कल करेंगे। देखते अपन को कितना टाइम लगता है। We'll start with connotations. Connotation. Now, what do you mean by connotation? Connotation is defined as the suggesting of a meaning by a word apart from the thing it explicitly names or describes. दीदी क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर example दिया हुआ है, अच्छा example है। Both fat and chubby have a common denotation. ठीक है? दोनों भी यही एक्सप्रेस करता है कि आप मोटे हो, राइट? ठीक है। हाउएवर मोस्ट पीपल वुड रादर बी चबी बिकॉज चबी हैज अ मोर पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड लेस नेगेटिव कॉनोटेशन। फैट बोलते हैं तो ऐसे लगता है यार उसने मेरे को फैट बोला, हाउ डेयर यू। लेकिन वहीं अगर आप ऐसे बोलते हो, अरे दीदी आप तो कितने चबी हो, तो फिर मुझे क्या लगेगा, ओ मैं तो चबी हूँ। चबी तो क्यूट होता है, चबी तो पॉजिटिव कॉनोटेशन है। समझ में आया? दोनों का भी मतलब यही है कि आप मोटे हो चुके हो दीदी।
लेकिन फिर भी जिस तरह से हम बोलते हैं दैट डिस्क्राइब्स कि आप पॉजिटिवली बोल रहे हो या नेगेटिवली बोल रहे हो. बहुत सारी जगह नेगेटिव कॉनोटेशन यूज नहीं करते हैं, यस और नो. जैसे कि होम और हाउस, यूजुअली हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि हमारा हाउस यहाँ पे है, हम ऐसे बोलते हैं माई होम इज योर, यस और नो. क्योंकि होम बोलते हैं तो ऐसे एक वॉर्म वाली, एक लव वाली फीलिंग आ जाती है. हाउस बोलते तो एक मकान वाली फीलिंग आती है कि घर है. जब बोलते घर है और जब बोलते मकान है, डिफरेंस है ना दोनों में, दैट इज नथिंग बट कोनोटेशन. बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा. यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे ही लिख लो, घर और मकान. मेरा बंगलो है, बंगलो में ऐसी फील नहीं आती है. जो फील किसमें आती है, मेरा घर है, मेरा होम है, इट्स माई होम, यस और नो. ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ कोनोटेशन, ये तो हमें अभी समझ में आ गया. हमारे इमोशंस रिवॉल्व करते हैं, हम एसोशिएट कर लेते हैं कोई शब्द को हमारे इमोशंस से. सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इट दैट वे. ठीक है, ओके. अभी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, उसका टोन दिया है और उसका कोनोटेशन भी दिया हुआ है. जैसे कि एलिक्यूएंट, एलिक्यूएंट मतलब एकदम पॉजिटिव वे में कहा है. लेकिन वहीं पर अगर मैं कहती हूँ बहुत ही वर्बोस है, मतलब अननेसेसरी वर्ड्स डाले हुए हैं. एक थोड़ा इजी एग्जाम्पल लेते हैं, फिर ये एग्जाम्पल आप मार्क कर लो ताकि जब भी आप ये कॉनोटेशन को रिवाइज करो तो आपको सिर्फ वो एक एग्जाम्पल की ही जरूरत पड़े. ये वाला एग्जाम्पल, टेक द फोर्थ एग्जाम्पल, ये गर्ल्स को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. जब हम ऐसे बोलते हैं कि अरे आप तो बहुत यंग हो दीदी, आप इतनी जल्दी क्यों शादी कर रहे हो. यंग मतलब न्यूट्रल हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मैं एकदम परफेक्ट एज में हूँ. अ पर्सन हु इज ऑफ अ यंग एज, यस. यू आर वेरी यूथफुल. अब यूथफुल का मतलब पॉजिटिव वे में लिया जाता है. हो सकता है कि कोई ओल्ड है लेकिन वो बहुत फुल ऑफ लाइफ है, बहुत यूथफुल है, तो उसे हम कहते हैं यूथफुल. तो इसे हम पॉजिटिवली लेंगे. अ पर्सन हु मे नॉट बी यंग बट हैज ऑल द क्वालिटीज ऑफ यूथ. नेक्स्ट इज चाइल्डिश. दीदी आप कितने चाइल्डिश हो, मेरे तो दिल पे लग जाएगी, पर मैं चाइल्डिश हूं तो क्या कर सकते हैं ना. तो नाउ दिस पर्टिकुलर वर्ड आई वुड टेक इट इन अ नेगेटिव वे. और अगर आप कोई और बड़े इंसान को ऐसे बोल दो कि आप क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, व्हाई आर एक्टिंग सो चाइल्डिश, तो तब ये नेगेटिव वे में लिया जा सकता है. अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड इन अ नेगेटिव वे, यस और नो. सो दीज थ्री वर द डिफरेंट 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 कॉनोटेशंस ऑफ द सेम थिंग. इट मेंट सेम बट द वर्ड्स वर डिफरेंट. ठीक है, ओके. एक हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले ले. व्हाट इज गेज? गेज इज अ वर्ड. लुक स्टेडिली एंड स्टेयर. स्टेयर नेगेटिव में हो जाता है, यस और नो. मैं आपको फॉलो करती हूं, मैं आपको स्टॉक करती हूं. दोनों के मतलब अलग अलग हो जाते हैं. फॉलो हम थोड़ा पॉजिटिवली लेते हैं, जब स्टॉक करना बोलते हैं हम नेगेटिवली लेते हैं. समझा? ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. जैरगन, ये दिस इज नथिंग, ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट फिर भी हम समझने के लिए समझ लेते हैं. आई होप कोनोटेशन वॉज क्लियर टू यू ऑल. अब हम लोग आ जाते हैं जैरगन के ऊपर. वॉट डू यू मीन बाय जैरगन? जैरगन मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन या ट्रेड के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे कि डेंटिस्ट लोग बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं कि आपके टेस्टेटिकल्स ठीक नहीं है, यू नो. वो मतलब उनका दांत बोलना ही है, लेकिन दे यूज दे स्पेसिफिक फ्रेज और वर्ड जो उनको दिया हुआ होता है. जैसे हम लोग बोलते हैं ये अग्रीमेंट तो वॉइड है, ये हम फॉलो नहीं कर सकते, हम लॉ लैंग्वेज ज्यादा बोलते हैं. सो दिस इज स्पेसिफिक विथ रिस्पेक्ट टू लॉ प्रोफेशन और फील्ड, यस और नो. ये हमें पता है ये सारे. अरे मेरा तो अटेम्प्ट लग गया, ये सिर्फ CSCS स्टूडेंट्स को ही पता होता है और किसी को नहीं पता होता है, यस और नो. ओके, सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज जार्गन. जो एक स्पेसिफिक फील्ड या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड एज जार्गन. जब जो बाकी लोगों को कॉमन ना हो, जैसे कि IT वाले भी जो शब्द होते हैं वो IT वाले लोगों को पता होंगे, वो अपन को कैसे पता होंगे, यस और नो. ओके, जार्गन इज समटाइम्स रॉन्गली कंफ्यूज विद स्लैंग. स्लैंग का क्या मतलब है?
स्लैंग मतलब गाली, बस इतना याद रखना, ठीक है? ओके, लिस्ट ऑफ जार्गन वर्ड्स, लॉ वाले लैंग्वेज में वो बोल रहे हैं, ड्यू डिलिजेंस, हार्ड कॉपी, कैशे मेमोरी, स्टैट, ये दीज आर जस्ट नथिंग बट जस्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। ओके, बिजनेस जार्गन्स दिए हो यहाँ पर, बेस्ट प्रैक्टिस, कोर कॉम्पिटेंसी, ड्यू डिलिजेंस, स्वेट इक्विटी, द 9 to 5, चीफ कुक एंड बॉटल वॉशर। चीफ कुक एंड बॉटल वॉशर का मतलब है पर्सन हु होल्ड्स मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप ऑफ द कंपनी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। व्हाट डू यू मीन बाय सिनोनिम्स, व्हाट डू यू मीन बाय एंटोनिम्स, लिख लो यहां पर। सिनोनिम्स मतलब ऐसे शब्द, जिनका मतलब सेम होता है, ठीक है? एंटोनिम्स का भी लिख लो, मेरे जैसे मत लिखना, तुम अच्छे से लिखना है ऐसा साइड साइड में। एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, ये बचपन में हुआ करता था, बस नाम चेंज हो गए, ठीक है? ओके, एंटोनिम मतलब सेकेंड। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का क्या मतलब होता है? एंटोनिम्स मीन ऑपोजिट वर्ड्स। सपोज मैंने बोला, मैंने बोला हार्ड, आप क्या बोलोगे मुझे? सॉफ्ट। मैंने बोला हॉट, आप क्या बोलोगे मुझे? कोल्ड। समझ में आ गया ये गेम? ओके, जितने ज्यादा आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पता है, उतने अच्छे से आप आपकी आइडियाज एक्सप्रेस कर सकोगे। दैट इज द ओनली एडवांटेज ऑफ नोइंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है? सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, एंटोनिम्स मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, ठीक है? बस इतना याद रखना है आपको। दीदी सर्दी हो गई है क्या आपको? जी हाँ। ऑल राइट, यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए हैं, जैसे कि जोवियल। वॉट डू यू मीन बाई जोवियल? चीयरफुल, लाइवली, जॉयस। इसका एंटोनिम क्या होगा? सैड, डल, अनहैप्पी, मोर्स। ओके, अब यहां पर आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी है। यू गाइज, ये चैप्टर में जितनी भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है वो सब आपको सॉल्व करनी है। जब ये वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, उसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको ये सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। इसमें क्या करना है, जैसे कि ये वाला शब्द दिया है ऑब्लिटरेट, और यहाँ पर क्या दिया है, इन द गिवन क्वेश्चन चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। मतलब ये क्या बोल रहा है, सिनोनिम बताओ इसका। समझ में आया क्या? बस बोलने का तरीका है इनका। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन ईच सेंटेंस बिलो अंडरलाइन द वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड, देन आइडेंटिफाई मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जैसे कि मेनी पीपल हैव पॉइंटेड आउट हार्मफुल इफेक्ट्स दैट अ वर्किंग मदर मे हैव ऑन द फैमिली, येट देर आर मेनी सैल्यूटरी इफेक्ट्स एज वेल। इसको किसमें दिया है? इटैलिसाइज्ड वर्ड में दिया हुआ है, मतलब वो जो बोल्ड और इटैलिक करते हैं ना हम लोग, वो ऐसा आड़ा जो दिखता है वो, ये वाले वर्ड का, सिर्फ ये वाले वर्ड का हमें क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। सैल्यूटरी मतलब बहुत अच्छा, तो ऑपोजिट क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे ये बोलकर कि सैल्यूटरी बेनिफिशियल, क्योंकि हम भावुक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, ऑपोजिट बताओ। तो सैल्यूटरी देखो, वेल नोन, बेनिफिशियल, ये दोनों सेम मीनिंग है।
ऑपोजिट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो कि है हर्टफुल। समझ आया? ओके, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, 3 ही क्वेश्चन थे। यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट अ सूटेबल एंटोनिम फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द क्वेश्चन। ये डायरेक्ट पूछा हुआ है आपको। जैसे हम लोग, ये वाला मेरे को आता है, अपन ये वाला लेते हैं, प्रॉपर्टी। इसका ऑपोजिट आपको बताना है। अच्छा, और कोई वर्ड का सपोज आपको ऑपोजिट नहीं पता है, तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ। सपोज इसका ऑपोजिट अपन को नहीं पता है, रिमोर्स। मुझे पता है पर आपको नहीं पता है, ठीक है? रिमोर्स। चार ऑप्शन आपके पास है, इसमें से चारों में से देखना है कि तीन कौन से सेम टाइप के और एक कौन सा जो अलग टाइप का है। स्प्लिट, जोवियल, केयरलेस, पिटी। जोवियल का मतलब होता है हैप्पी, पर ये जो तीनों है ये थोड़े नेगेटिव टाइप के टर्म्स है। ये सारे केयरलेस, पिटी, स्प्लिट, ये सारे एक टाइप के ही शब्द है। तो यहाँ पर ऑपोजिट क्या होगा रिमोर्स का? जोवियल। समझ आया? देखो, यहाँ पर अपन ने देखा था जोवियल का मॉर्स, मॉर्स इसका एंटोनिम था, तो रिमोर्स क्या होगा? समझ आया आपको? कंफ्यूज मत हो जाओ, यहाँ पर सिर्फ आपको एंटोनिम पूछा है और मैंने सिर्फ आपको एक ट्रिक बताई है जिससे आप लोग एंटोनिम को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकोगे। कोई भी शब्द दिया इसका एंटोनिम मुझे नहीं पता है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी? बाकी के जो चार ऑप्शन है उसमें से तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत सेम टाइप के होंगे और एक ऑप्शन होगा जो अलग टाइप का होगा। जैसे कि वर्डी, वेरीफाई, अनॉय, अम्यूज्ड। अम्यूज अलग टाइप का है, वर्डी, वेरीफाई करना, अनॉय करना। वेक्स का मतलब क्या होता है? और जांच पड़ताल करना, वेरीफाई करना, अनॉय करना। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? अम्यूज। अम्यूज हो गई मैं तो, इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज अम्यूजिंग। सो दिस इज द एंटोनिम। समझ आया? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू रूट्स ऑफ वर्ड्स। रूट्स ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि जहां से ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं, द रूट ऑफ द वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोलती हूँ रनिंग। रनिंग का एक्चुअल वर्ड क्या है? द एक्चुअल वर्ड इज रन। यस और नो? रन इज द वर्ड। तो यहाँ पर जब आप ing निकाल देते हो, या इसका जो सफिक्स था वो हमने जब निकाल दिया, जो एफिक्स किया हुआ शब्द था वो निकाल दिया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसका रूट वर्ड आ गया। जैसे कि मैं बोलती हूँ, और एक एग्जाम्पल के लिए What are roots of words? यहाँ पर थे हम लोग, मैंने पॉज किया था वीडियो 2 मिनट के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। What are roots of words? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एक्चुअल वर्ड होता है, जो एक्चुअल वर्ड होता है उसमें से जब हम लोग अफिक्सेस निकाल लेते हैं, प्रीफिक्सेस निकाल लेते हैं, जो बेसिक एलिमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे रूट ऑफ वर्ड कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को एक लिस्ट भी दिया हुआ है, जैसे कि रूट क्या है? एरो। दिस इज द रूट, एरो। ठीक है, एरोप्लेन, एरोस्पेस, एरिएट, एरियल, ये सारे क्या है? वर्ड्स है। ये एरो, ये जो रूट वर्ड है, इससे बाकी वर्ड्स बने हुए हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, टेली। ये वाला एग्जांपल सबसे इजी टू रिमेम्बर रहेगा, ये आप मार्क कर लो, और यही आपको याद रखना है जब भी आपको रूट्स ऑफ वर्ड्स समझना है, और जब आप रिवाइज करो तब। टेली, टेली क्या हो सकता है? टेलीफोन हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, टेलीपैथी हो सकता है। तीनों के भी मतलब अलग 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 है, यस और नो? लेकिन टेली ये वर्ड कॉमन है, और टेली का मतलब क्या है? फार, दूर से, दूर से, दूर से बात करना, दूर से लिखना, या दूर से कनेक्शन फील करना। ऑल द थिंग्स मीन डिफरेंट थिंग्स, यस और नो? ओके, और एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, विज। विज का मतलब होता है टू सी, ठीक है, देखना। विजन, विजिबल, एंड विजन, तीनों के भी मतलब अलग अलग है। विजन का मतलब है आई साइट, विजिबल का मतलब है कैन सी और नॉट, एनविजन का मतलब है सी बियॉन्ड, यस और नो? तो तीनों के भी मतलब यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन विज ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है? टू सी। दिस इज द रूट वर्ड। ओके,
अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी हुई है, ये सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के लास्ट में आंसर की दी है, तो डोंट वरी एट ऑल, ये आपको सॉल्व करनी है, ये भी याद रखना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लोन वर्ड्स। ये सिर्फ यू शुड नो है, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी हमारे नॉलेज के लिए हम एक बार पढ़ तो लेते हैं, पढ़ के तो रखते हैं, यस और नो। लोन वर्ड्स आर वर्ड्स बोरोड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज एंड यूज एज इज, सो वेदर योर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज कॉमन फॉरन वर्ड्स इज अप टू यू। जैसे कि हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, हम लोग आला काट, आपको पता है कोई भी आप फाइव स्टार होटल्स में जाओगे तो हम ऐसे पूछते कि क्या आला काट शुरू है, आला काट मतलब फ्रॉम द मेन्यू, क्या हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर सिर्फ बफे ही है। सो आला काट इज अ फ्रेंच वर्ड और हम आला काट ही यूज करते हैं, वी डोंट यूज एज मेन्यू फ्रॉम द मेन्यू, इज इट यूज फ्रॉम द मेन्यू, नहीं, वी यूज द वर्ड आला काट, इट्स द मोस्ट कॉमन फॉरन वर्ड। अल्मा माटर, फॉर्मर स्कूल, आपकी पहली स्कूल कौन सी थी, बोनाफाइड, ये तो हमारा सबसे कॉमन वर्ड है लॉ में, येस और नो, बोनाफाइड लॉ में ये हमारा सबसे कॉमन वर्ड है, बोनाफाइड मतलब इन गुड फेथ, हम ऐसा नहीं बोलते इन गुड फेथ, हम बोलते बोनाफाइड है, येस और नो, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बताओ। ऑल राइट, सो दीज वर द कॉमन वर्ड्स जो हर जगह यूज, जो हम वैसे के वैसे यूज करते हैं, लेकिन वो इंग्लिश के नहीं है, वो कोई और लैंग्वेज के है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज लोन वर्ड्स। ओके, नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड टू प्रीफिक्स एंड सफिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स? प्रीफिक्स मतलब शब्द के पहले अगर कुछ ऐड किया आपने, दैट इज प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब शब्द के बाद में आपने अगर कुछ ऐड किया तो दैट इज सफिक्स। A prefix is a letter or a group of words, letters that appear at the beginning of a word and changes the word's original meaning. Suffix is a letter or a group of letters that is usually added onto the end of the word to change its meaning. Collectively, prefix or suffix ko kya kaha jata hai? Affixes kaha jata hai. Kya kaha jata hai? Affixes. These are, dekho, ek root word rahega run. जब मैंने रनिंग लगा दिया तो आई एन जी क्या हो गया, आई एन जी इज नथिंग बट द सफिक्स, ठीक है। ओके, अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रीफिक्स के, जैसे कि सर्कम, ये वाला आप मार्क कर लो, ये इजी टू रिमेम्बर है, सर्कम, सर्कमफेरेंस, सर्कमलोक्यूशन, सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्टेंस, यहाँ और आप एग्जाम्पल कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, सर्कमस्टेंस, these are nothing but the prefix of circum, yes or no? Okay, aur ek prefix main aapko do mono, aap bologe monologue, monogamy, monoacting, monopoly bhi to aayega, yes or no? Okay, same goes for suffix. Suffix are words jo end mein lagte hain, jaise ki ation, refrigeration, occupation, irritation, ition जो last में लगता है, that is nothing but suffix. और एक example लेते हैं suffix का, wise, clockwise, anti-clockwise, otherwise, lengthwise, breadthwise. This is the suffix. Okay. ये हम कोई भी शब्द के end में लगाते हैं. Okay. अभी यहाँ पर आपको practical exercises दी है, ये आप खुद से solve करोगे. देखो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, एक अपन सॉल्व करते, यू नीड अ डैश ऑफ मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिविजन टू लर्न इंग्लिश, यू नीड अ कॉम्बिनेशन TION ऑफ मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिविजन। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फ्रेजल वर्ड्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेजल वर्ड्स, क्या मतलब होता है फ्रेजल वर्ड्स का? फ्रेजल वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शंस एज अ वर्ब। ये गुजर गए, हम ऐसे बोलते ना, ये जो इनके दादाजी थे ये गुजर गए, इट ही पास्ड अवे। व्हाट डू यू मीन बाय पास्ड अवे? इट मींस टू डाई, यस और नो? दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, पास अवे, ही डाइड, यस और नो? ओके, बहुत ज्यादा इस पे आपको ये करने की जरूरत नहीं, आपको फ्रेजल वर्ड पे इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी हम हर एक चीज का एग्जाम्पल एक एक ले लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, पास अवे, ही पास्ड अवे, पास अवे मतलब मर गए, ऊपर चले गए, हम ऐसे बोलते हैं ना। ओके, जैसे कि लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ, शी लुक्ड आफ्टर हर मदर, टू टेक केयर ऑफ। और एक एग्जांपल लेते हैं,
ही ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी. ही ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी का क्या मतलब है? वो क्या अंदर से, मेरे अंदर से सब बेस्ट निकाल के बाहर देता है क्या? नहीं. कॉज इट टू हैपन, ही मेक्स इट हैपन. ही ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी का मतलब है ये मुझ में से जो भी मेरी खूबियां हैं वो निकालता है. यस और नो? ओके. पुट अवे, पुट अवे मतलब प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन इट्स प्रॉपर लोकेशन. ये रख दो वहां, बच्चा खेल रहा है, ये रख दो. पुट इट अवे, इट मीन्स कीप इट इन द प्रॉपर लोकेशन. और एक लेते हैं, टेक अवे नहीं है क्या इसमें? टेक ओवर दैट रिमोट, टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग. ये फ्रेजल वर्ड किसका है? टेक का हम लोग फ्रेजल वर्ड देख रहे हैं. और कौन से फ्रेजल वर्ड हो सकते हैं? टेक आफ्टर, टेक अपार्ट, टेक बैक व्हाट यू सेड. अगर आपने मेरे को पिंकी प्रॉमिस दिए तो टेक बैक योर प्रॉमिस, ऐसा हम बोलते हैं ना. ओके, टेक बैक योर वर्ड्स, ऐसा हम बहुत ज्यादा बोलते हैं कि जो आपने बोला है वो आप वापस ले लो. यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दी है जो आपको सॉल्व करनी है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कोलोकेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कोलोकेशन? अ कोलोकेशन इज अ फेमिलियर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, स्पेशली वर्ड्स दैट आर हैबिचुअल और अपीयर टुगेदर एंड देयर बाय कन्वे मीनिंग बाय एसोसिएशन. अब मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हम ऐसा बोलते ना, यार बहुत जोर से बारिश आ रही है. क्या हम ऐसा बोलते बहुत बड़ी बारिश आ रही है? नहीं. क्या हम ऐसा बोलते कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बारिश आ रही है? नहीं. हम ऐसा बोलते कि बहुत जोर से बारिश आ रही है. ओके. तो कोलोकेशन मतलब क्या? कोलोकेशन मतलब जो वर्ड्स का ग्रुपिंग होता है. हम ऐसा नहीं बोलते कि चाय बहुत हैवी है. हम ऐसा नहीं बोलते, इट्स अ वेरी हैवी टी. हम ऐसा बोलते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टी, उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है. हम ये नहीं बोलते कि चाय बहुत हैवी है. यस और नो? ओके. तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जो कोई वर्ड्स के साथ ही अच्छे लगते हैं, मतलब उसका ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स इस तरीके से ही होता है. और हम एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझ में आएगा वॉट आई मीन. बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, वॉट इज अ कोलेशन? इट इज अ फेमिलियर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब जो हैबिचुअल वर्ड्स होते हैं ना, जो हमेशा साथ साथ ही दिखाई देते हैं, उसका मीनिंग एसोसिएटेड होता है. ठीक है. अब एग्जाम्पल के लिए आप यही वाला ले लो. हम ऐसा नहीं बोलते कि हैवी टी हो गई. नो. हम बोलते हैं इट वाज अ स्ट्रॉन्ग टी, बहुत कड़क चाय बना दी आपने. समझा? तो यहाँ पर हैवी नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा शब्द. ओके. टाइप्स छोड़ दो, बिजनेस रिलेटेड कॉलोकेशन पढ़ लेते हम लोग. मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स फिगर, सिक्योरिटी ब्लैंकेट, ये जो सारे हैं ना, दीज आर द बिजनेस रिलेटेड कॉलोकेशन. ब्लैंक चेक, ऐसा बोलते हैं ना, मैं आपको ब्लैंक चेक देती हूँ, मतलब बहुत सारा पैसा दे रही हूँ. समझा आपको? ब्लैंक चेक का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे एक चेक दे दिया जो कि ब्लैंक था. उसका मतलब ये होता है, मुंह मांगी रकम आपको देती हूँ मैं, दैट इज ब्लैंक चेक. ड्रॉ अटेंशन टू, आपका अटेंशन यहाँ लाया जा रहा है. चेयर अ मीटिंग, चेयर अ मीटिंग मतलब आप यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ अ मीटिंग, आप इंचार्ज हो. एनुअल टर्नओवर, कैश फ्लो. ओके. हाउ टू लर्न कॉलोकेशन, रीड एक्सटेंसिवली व्हाइल रीडिंग बुक्स, न्यूज पेपर्स, वी कम अक्रॉस यूज ऑफ कॉलोकेशन दैट शो अस द प्रॉपर यूसेज. ट्राई एंड मेक डिफरेंट कॉलोकेशन, ऑलवेज रेफर टू अ गुड डिक्शनरी, क्लब वर्ड्स ऑफ अ कैटेगरी, कॉलोकेशन रिलेटेड टू टाइम, डिस्टेंस, मनी, बी अवेयर एंड अलर्ट, आइडेंटिफाई कॉलोकेशन. इसका ना अपन एक ये देखते हैं. ओके.
सन का कॉलोकेशन पूछा है, सन कैसा हो सकता है? ब्राइट सन हो सकता है, यस और नो? क्या सन स्ट्रॉन्ग हो सकता है? नो, सन कैन बी ब्राइट सन, ब्राइट सनलाइट। और एक लेते हैं, यूनिट, बर्स्ट इन टू। इन दोनों का ही एक्चुअली हम लोग एक बार देखते हैं, कोलोकेशन सारे ही देखते हैं अपन, बिकॉज कोलोकेशन इज अ बिट हार्ड टू टेक द राइट मीनिंग। जैसे बर्स्ट इनटू, सिर्फ बर्स्ट इनटू लिखा था, बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन जिनको नहीं पता है बर्स्ट इनटू समथिंग मतलब आई शी जस्ट बर्स्टेड इनटू टीयर्स, ऐसा हम लोग बोलते हैं। सो दैट मीन्स कि वो रोने लग गई एकदम से, यस और नो? देखो फिर, ब्रेक द आइस, कॉर्डियल मीटिंग, सिर्फ मीटिंग ये शब्द दिया था, कॉर्डियल मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग, कंप्लीटली, रीड कंप्लीटली, अंडरस्टूड कंप्लीटली, पेन दिया था नेक्स्ट वर्ड, अनबेरेबल पेन, फ्रीडम एक वर्ड दिया था, कोवेटेड फ्रीडम, कोई और भी यहाँ पर आप वर्ड यूज कर सकते हो, रूल दिया था, ब्रेक द रूल, स्ट्रिक्ट रूल्स, अबाइड बाय द रूल, डिसीजन, डिसीजन का क्या होगा? टफ डिसीजन, डिसीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, डिसीजन ब्राइट नहीं होता है, डिसीजन टफ होता है। ओके, गिव अ प्रेजेंटेशन, काउंटर एन आर्ग्यूमेंट, सेव टाइम, टाइम दिया है तो टाइम को क्या करते हैं हम लोग? सेव करते हैं या स्पेयर करते हैं। बर्स्ट इन टू टीयर्स, देखो मीटिंग का, क्लोज अ मीटिंग, चेयर मीटिंग, ओके। मोस्टली आपको ऑप्शंस दिए होंगे, अगर ऑप्शन नहीं दिए है तो सारे ही राइट है, ये समझ लेना, ठीक है? बस एकदम अनरिलेटेड मत लिख कर आ जाना। जैसे स्ट्रॉन्ग टी होती है लेकिन हैवी टी कभी नहीं होती है। नेक्स्ट इज ईडियम्स। व्हाट डू यू मीन बाय ईडियम? ईडियम मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा दिया होता है जिससे हमें समझ में आता है कि इसका मतलब कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, अरे यार इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मेरे पास, जो कि मुझे मेरे फाइल में ढूंढना पड़ेगा। यस, मिल गया। चेरी ऑन द केक, चेरी ऑन द केक एक ईडियम है, डाउन टू अर्थ एक ईडियम है। दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द ईडियम्स। आप ईडियम्स जब भी जहां पर भी लिखा है ना, वहां पर एग्जाम्पल करके लिख लो। ये वाले ईडियम्स हमें बहुत नोन है तो हमें समझ में आ जाता है, अच्छा इसको ईडियम्स बोलते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस जिसका एक मीनिंग दिया हुआ है। जैसे कि हम ऐसा बोलते हैं ना कि शी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, पार्श्वी दीदी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते कि शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, मतलब वो बहुत सेंसिबल है, बहुत रियलिस्टिक है, यस और नो? और एक एग्जाम्पल लेते हैं, चेरी ऑन केक, पूरी की पूरी सीए फाउंडेशन की बात बहुत अच्छी थी, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस होती थी, दैट वाज द चेरी ऑन केक। चेरी ऑन केक मतलब केक के ऊपर चेरी नहीं है, ये फाइनल चीज है जिसकी वजह से सब कुछ एकदम परफेक्ट लगने लगा। और एक गो गेटर, आप एक नंबर के ऐसे स्टूडेंट हो जो गो गेटर हो, गो गेटर मतलब एकदम ही एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, मेरे वीडियोस पे लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बातचीत करते हो, दैट इज अ गो गेटर, यू आर अ गो गेटर। जब मैं ऐसे बोलती हूँ दैट यू आर अ गो गेटर, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके कुछ तो भी लेकर आते हो, नो, इट मीन्स कि आप एक्टिव हो, आप एनर्जेटिक हो, यस और नो? ओके, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज ले लीजिए। अब ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, सो नाउ दीज आर ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस जिसका एक मीनिंग एलोकेट किया हुआ है। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी उसकी, ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ऐसा हम लोग बोलते हैं, मतलब वो बहुत रईस घर में ही बॉर्न हुआ था, यस और नो?
सो दीज आर नथिंग बट ईडियम्स. आइडेंटिफाई द ईडियम इन द गिवन सेंटेंस एंड डिटरमाइन द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. आई नो दैट द फाइट दैट दे हैड यस्टरडे सीम सीरियस बट दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. मतलब ये एकदम ये बड़े पहाड़ का छोटा सा ही एक टुकड़ा था. अभी तो और बहुत आना बाकी है. इसका मतलब ये है, दिस इज द ईडियम. समझ में आया आपको? और एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड ही ले लेते हैं. आई कॉल्ड इन सिक ऑल वीक बिफोर द समर वेकेशन बट नाउ आई हैव टू फेस द म्यूजिक. आई हैव टू फेस द म्यूजिक. फेस द म्यूजिक क्या है? दिस इज एन ईडियम. फेस द म्यूजिक मतलब अपने को रियलिटी फेस करनी पड़ेगी. और एक देखते हैं, टॉमीज मदर डिडंट इवन लेक्चर हिम आफ्टर ही केम होम लेट अगेन. इट वॉज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स. अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको बोलकर हम क्या ही कर लेंगे. सो दैट इज नथिंग बट बीटिंग अ डेड हॉर्स. मतलब एक मरे हुए घोड़े को आप मार रहे हो, ये ऐसी वाली बात हो गई. ऐसा हम बोलते हैं ना. ओके, यहाँ से प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है और यहाँ से तो आंसर ये है. सो विद दिस वी आर डन विद द होल चैप्टर. एक बार हम लोग फटाक से रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि हमने आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. मैंने सोचा कि दो लेक्चर्स में लेती हूँ, बट दिस वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू ऑल कि ये पूरा एक साथ ही एक चैप्टर है. सबसे पहले हमने वोकैबलरी का मतलब देखा. वोकैबलरी मतलब शब्द, जो शब्द हमें आते, कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के जो शब्द होते, बहुत सारे शब्द होते, वो दैट इज नथिंग बट वोकैबलरी. जिसको जितने ज्यादा शब्द आते हैं उसकी वोकैबलरी इतनी अच्छी है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज की. क्यों हमें वोकैबलरी अच्छी करनी चाहिए, क्या क्या टाइप्स हैं वोकैबलरी के. उसके बाद हमने पढ़ा सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मतलब सेम नेम वाले जो वर्ड्स होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स जिसके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, दैट इज सिनोनिम. कॉनोटेशन. कॉनोटेशन मतलब घर और मकान. एक ही चीज बोल रही हूँ लेकिन उसके दो अलग अलग नाम है, फैट और चबी, अलग अलग नाम है बस. फिर हमने देखे जार्गन. जार्गन जो एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड शब्द होते हैं. सिनोनिम्स. सिनोनिम्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका मतलब सेम होता है. एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मतलब ऐसे शब्द जिनका मतलब ऑपोजिट होता है. उसके बाद हमने देखा रूट्स ऑफ वर्ड्स. कोई भी चीज का रूट कहाँ से आता है, रूट वर्ड क्या है. जैसे कि रनिंग का रूट वर्ड रन है. एयर इज द रूट वर्ड, एरोप्लेन इज द अदर वर्ड. ओके, और एक हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था टेली. टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीपैथ. रूट वर्ड क्या है, टेली है. उसके बाद हमने देखे थे प्रीफिक्स एंड सफिक्स. प्रीफिक्स मतलब जो कोई भी शब्द के पहले लगता है, सफिक्स मतलब कोई भी शब्द के बाद में लगता है. उसमें हमने एग्जाम्पल मोनोपोली आप ले सकते हो, और सफिक्स के अंदर आप इरिटेशन, ऑक्यूपेशन, रेफ्रिजरेशन ले सकते हो. ऑल राइट, फिर हमने फ्रेजल वर्ब्स देखे. ऐसे वर्ब्स जिसका, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ब्स होते हैं जिसका कुछ मतलब होता है. जैसे ये मर गए, ही पास्ड अवे, ऐसे जो सारे फ्रेजेस होते हैं. लुक आफ्टर मतलब मैं इसकी देखभाल करती हूँ, दैट इज लुकिंग आफ्टर समवन. इसके बाद हम लोगों ने कॉलोकेशंस देखे. कॉलोकेशंस मतलब ऐसे शब्दों का मिलन जो कि यूजुअली साथ साथ में हम लोग यूज करते हैं. जैसे बहुत कड़क चाय बनी है आज, बहुत ही भारी चाय बनी है, ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं. idioms. idioms का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसका एक मतलब दिया हुआ है, जो लिटरल नहीं है. जब मैंने ऐसे बोला कि यू गाइज आर द चेरी ऑन केक, आप लोग आए तो मेरा दिन एकदम चेरी ऑन केक था. आपका आना मेरे लिए चेरी ऑन केक था. तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में चेरी है केक के ऊपर, नहीं. उसका मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट था. यस और नो? ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज idioms. और आप idioms का प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत ईजी जाएगा. एंड आई गेस दैट्स अबाउट इट. यस, दैट्स अबाउट इट. दीज वर द थिंग्स दैट वी स्टडीड. अच्छा, कोनोटेशन आपको याद है ना? कोनोटेशन और कोलोकेशन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है. एक है कोनोटेशन और दूसरा है कोलोकेशंस. कहाँ गए कोलोकेशन? ये रहे कोलोकेशन. दोनों का भी वर्ड मैं अभी आपको लिखा देती हूँ. कोलोकेशन पहले लिख लो.
कोलोकेशन का एग्जाम्पल आप लिख लो, हैवी टी स्ट्रॉन्ग टी, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय कॉनोटेशन? कॉनोटेशन का मतलब होता है कोई भी एक ही शब्द के दो अलग अलग मतलब, जैसे फैट हो गया, चबी हो गया। मैंने बोला आप फैट हो, देखो अच्छा यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कॉनोटेशन का एग्जाम्पल लिखो, समझ में ऐसे ही याद रहेगा आपको, फैट चबी, दिस इज कॉनोटेशन। कॉलोकेशन एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग टी, हेवी टी गलत है यहाँ, बस ऐसा सिंपली आपको याद रहेगा। यहाँ पर फैट नेगेटिव वे में लिया है, यहाँ पर चबी पॉजिटिव वे में लिया है, दैट इज इट। इसके अलावा आई डोंट थिंक आपको कोई और चीज में दिक्कत जा सकती है। फिर भी अगर जाए तो आप यही वाले वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल राइट यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन चैप्टर दैट वुड बी अपलोडेड वेरी सून। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे अहेड। बाय बाय, आओ जो, टेक केयर।